उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के तिरपुलिया चौक के नज़दीक अवैध अतिक्रमण हटा रहे एक बुलडोजर में विद्युत करंट की चपेट में आने से उसमें भीषण आग लगने का मामला सामने आया। इस दौरान क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते बच गया। अवैध अतिक्रमण हटा रहा बुलडोजर विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जहाँ बिजली की लाइन की चपेट में आने से बुलडोजर में करंट दौड़ पड़ा। विद्युत करंट के कारण से बुलडोजर के इंजन में भीषण आग लग गई। अचानक बुलडोजर के इंजन में आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा रहा। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मिट्टी और पानी डालकर लगी आग पर काबू पाया जा सका। फर्रुखाबाद से संवाददाता समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। मैडम, आज जो दूसरा दिन है आपके अतिक्रमण अभियान चल रहा है, कोई जनता का विरोध वगैरह सामने आया? दूसरा दिन हमारा अभियान का लगभग सफल रहा है और हम लोग पूरे पैच का आज अतिक्रमण हटाने में सफल रहे हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ लोगों ने अनुरोध किया है, तो वो सभी को समझाने में हम लोगों ने बातचीत के माध्यम से उन लोगों को समझाया और सभी जगह पूरा आप देख रहे हैं अतिक्रमण नाली पर से हटा। मैडम, जो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कल जो है जाम वगैरह लगाया था, क्या संशोधन हुआ उसमें? वो भी शासन की मंशा के अनुरूप हमें सहयोग करने के लिए तैयार हो गए और किसी तरह का आप देख रहे हैं कोई विरोध नहीं। और मैडम, जो नाले के ऊपर जो दुकानें बनी हैं, अभी छज्जे निकले हुए हैं, उन पर बिलोज कब चलेगा? उन दुकानों को हम चिन्हित करके उस पर इस अभियान 18 तारीख को खत्म, 18 के बाद उस दिशा में। मैडम, अभी हादसा हुआ है जेसीबी में आग लगती, कैसे किया नियंत्रण का? शॉर्ट सर्किट के कारण वो आग लग रहा है कि लगी है इसमें जेसीबी में, और उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मशीन को ठीक कर दिया गया, मशीन चल रही है। हादसा होते होते बचा? हादसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मशीन दी है, शॉर्ट सर्किट से थोड़ी आग लगी थी, इसको काबू पा लिया है। मैडम, मशीन चालक को कोई घायल वगैरह कुछ चोट वगैरह आई है? नहीं, कोई आग से वजह से दिक्कत हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन अभी भी चालू है।